Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu and you are watching Sun Nonstop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है Why there are no flights between India and China? Is it true? कि मतलब इंडिया के लोग यार चाइना जाते हैं, मुझे पता है, बट फ्लाइट के थ्रू ही जाते होंगे ना, तो ये कैसी बात होगी. मैंने जब ये वीडियो का मुझे जो है वो टॉप क्या उसे कहते हैं वीडियो का लिंक मुझे आया, जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब कोई फ्लाइट नहीं आती जाती पाकिस्तान का. तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के और इंडिया के अंदर पाकिस्तान की कोई फ्लाइट नहीं जाती, क्योंकि चाइना का भी यही सीन है. तो सारी चीजें, सारे कन्फ्यूजन्स, सारे डाउट्स जो है वो वीडियो के अंदर जाके क्लियर होंगे. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाकर जरूर. तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं. 20 मार्च 2020 चाइना ईस्टर्न फ्लाइट 564 नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शंघाई के लिए उड़ चला था. सब कुछ बिल्कुल रूटीन के अनुसार चल रहा था. 5 घंटे 24 मिनट बाद एयरबस A330 स्मूथली शंघाई में लैंड हो गया, जैसा कि 2 दिन पहले और पिछले 5 दिन पहले भी हुआ था. लेकिन प्लेन में बैठे 200 पैसेंजर्स में से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये इंडिया और चाइना के बीच आखिरी डायरेक्ट फ्लाइट होगी, कम से कम अगले 4 सालों के लिए. अब दोस्तों, आज की डेट तक इंडिया और मेनलैंड चाइना के बीच में कोई भी कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट नहीं चली है, मतलब लगभग 1600 दिन, ये ऑलमोस्ट 4.5 साल या आधे दशक का समय हो गया. मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी लंबी आइसोलेशन काफी ज्यादा रेयर है, वो भी दुनिया के 2 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों के बीच. बीजिंग से 3000 माइल्स के अंदर जो 32 कंट्रीज और टेरिटरीज है, उनमें से 29 से चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ताइवान और नॉर्थ कोरिया भी. एक्सपेक्टेशन में सिर्फ 2 जगह आते हैं, भूटान, एक ऐसी कंट्री जहां ट्रैफिक लाइट्स तक नहीं है, और इंडिया, जिसमें लगभग 1.4 बिलियन लोग रहते हैं. अब साल 2020 के पहले इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स बूम कर रही थी. दिसंबर 2019 में 539 डायरेक्ट फ्लाइट्स चल रही थी. अब ये दोनों देश बॉर्डर शेयर करते हैं और इनकी पॉपुलेशन भी काफी बड़ी है, तो रेगुलर एयर ट्रैवल काफी एक्सपेक्टेड सी चीज है. दिल्ली और शंघाई जैसे शहरों के बीच सिर्फ 5 घंटे का सफर होता था. अब अगर आप सेम ट्रिप बाय रोड करने लगोगे ना, तो लगभग 120 घंटे का समय लग जाएगा. तो सवाल ये आता है, क्या हुआ क्या? अब बहुत सारी चीजों की तरह ये कॉन्फ्लिक्ट भी COVID-19 पैंडेमिक की वजह से ही शुरू हुआ था. मार्च 2020 में दोनों देशों ने अपने बॉर्डर्स इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बंद कर दिए थे. इंडिया ने 2 साल बाद अपनी बॉर्डर्स खोली और चाइना ने साल 2023 में. लेकिन इन दोनों के बीच फ्लाइट्स वापस कभी भी स्टार्ट नहीं हुई. वजह, वो टेंशन जो पैंडेमिक के आगे भी चलती रही. और इस टेंशन को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना जरूरी है. देखो, चाइना और इंडिया के बीच दुनिया का सबसे लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. अब सबसे ज्यादा विवाद वाला ईस्टर्न सेक्शन है. साल 1914 में तिब्बत, जो तब ऑटोनोमस था, ने ब्रिटिश इंडिया और चाइना के साथ मिलके बॉर्डर्स पर बात की थी. तिब्बत और इंडिया एक लाइन पर एग्री हुए, लेकिन चाइना ने उस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया. चाइना ने कभी भी तिब्बत के इस हक को नहीं माना और आज भी वो इसे एक इनवैलिड बॉर्डर ही मानते हैं. आज चाइना उस टेरिटोरी का क्लेम करता है जो इंडिया अपनी मानता है. इसे चाइना साउथ तिब्बत के नाम से पुकारता है. बॉर्डर का सेंट्रल सेक्शन थोड़ा कम डिस्प्यूटेड है, लेकिन इन टेंशंस की वजह से दोनों देशों के बीच स्काइज 4 साल से भी ज्यादा टाइम से साइलेंट है. अब ये एरिया मैप पर छोटा लग सकता है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जिसे चिकन्स नेक भी कहा जाता है. ये पतली सी जगह सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है और ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ती है. सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड बॉर्डर का पार्ट है वेस्टर्न सेक्शन, जहां इंडिया एक बड़ा एरिया क्लेम करता है और जिसे चाइना अक्साई चीन कहता है. ये 15,000 स्क्वायर माइल रीजन काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन आयरनी देखिए कि ये जगह काफी ज्यादा यूजलेस है. इसका ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट और हाई एलिवेशन की वजह से यहाँ पानी नहीं है और हवा भी बहुत पतली है, जो इसे बहुत ज्यादा बेकार बनाता है. लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. देखो, अक्साई चीन से ना एक रोड गुजरती है जो चाइना के जिनजियांग और तिब्बत प्रोविंस को जोड़ता है, और ये चाइना को अपने बॉर्डर को जल्दी से रीइन्फोर्स करने की सुविधा देती है. तो ये लैंड जिसमें हजारों सालों से कोई नहीं बसता था, अब हाईली कंटेस्टेड एरिया बन चुका है. साल 1962 में चाइना ने इस रीजन में एक छोटी लेकिन डेडली वॉर शुरू की, जिसमें हजारों इंडियन सोल्जर्स की जान गई थी. आज दोनों देश एक इनफॉर्मल बाउंड्री को मानते हैं, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहा जाता है. ये लाइन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, ये एक टेम्पररी लाइन है,
और दोनों तरफ से इसे पसंद नहीं किया जाता और दोनों ही इसके एग्जैक्ट लोकेशन पर एग्री नहीं करते। कोरियन पेनिनसुला की तरह यहाँ कोई डीमिलिटराइज बफर जोन नहीं है, मतलब इनकी आर्मीज एक दूसरे के करीब ही पेट्रोल करती रहती है। अब यूज इट और लूज इट मेंटालिटी की वजह से दोनों देशों के जवान एक दूसरे से भिड़ते भी रहते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि इन दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट कितना ज्यादा डेंजरस है। ये सिचुएशन को शांति से सॉल्व करने के बजाय इस टेम्पररी सॉल्यूशन से टेंशन और बढ़ती ही जा रही है। अब जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था, साल 2020 में ये दोनों आर्मीज एक दूसरे से टकराई भी थी। 15 जून को टेंशन बढ़ने के बाद इंडियन सोल्जर्स ने डिस्प्यूटेड गलवान वैली एरिया में एंटर किया था ताकि ये चेक करे कि क्या चाइनीज ट्रूप्स पहले से एग्री होने के मुताबिक वापस चले गए हैं या नहीं। अब वहां पर उन्होंने एक चाइनीज बिल्ट स्ट्रक्चर देखा और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ ये अनक्लियर है, लेकिन हमें ये पता चला कि इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया। साल 1996 के एग्रीमेंट की वजह से वो गन्स या एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते थे, ये लड़ाई बहुत ही छोटे वेपन्स जैसे कि रॉक्स और स्टिक्स से होने लगी। अब ये उनका पहला फिजिकल एनकाउंटर नहीं था, लेकिन ये 45 सालों में पहली बार एक डेडली एनकाउंटर बना था। दुख की बात यह है कि इसमें 20 इंडियन सोल्जर्स और 35 से 43 चाइनीज सोल्जर्स की जान गई थी। दोनों साइड एक दूसरे को इस इंसिडेंट के लिए ब्लेम करता है। इंडिया का कहना है कि सब कुछ तब शुरू हुआ जब चाइना एग्रेसिवली उनकी टेरिटरी में कंस्ट्रक्शन करने लगा, जो पूरी तरह से इल्लीगल है। अब देखो, इंडिया मानती है कि ये कन्फ्रंटेशन बीजिंग द्वारा प्लान किया गया है, जबकि चाइना कह रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस और एक्सीडेंटल था। चाहे सर्कमस्टेंसेस जो भी हो, उसका अंजाम काफी डेडली था। अब सीनो इंडियन रिलेशनशिप हमेशा से थोड़ा टेंस रहा है। अब पाकिस्तान चाइना का एक क्लोज एलाई है और इंडिया का एक खासा दुश्मन भी है। इनफैक्ट चाइना के कुछ स्ट्रॉन्ग फिगर्स भी चाइना के डिसीजन से एग्री नहीं करते। साल 1959 में 14th दलाई लामा चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत से धर्मशाला इंडिया की तरफ भाग गए थे, जहां वो आज तक एक रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं। इंडिया ने चाइना पर अपनी रीजनल इन्फ्लुएंस को मालदीव, श्रीलंका और नेपाल जैसे जगहों पर हथियाने का आरोप भी लगाया है। फिर भी पिछले 60 सालों में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब लगा था कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। ऐसा लग रहा था कि साल 2020 से पहले कुछ अच्छे पल आए थे, जब सी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी मिलके अपने रिलेशन को ग्रेटर हाइट्स पर ले जाने का वादा कर रहे थे। ये ऑप्टिमिज्म इस बात की पहचान थी कि अगर दोनों देश अपनी डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ काम कर सके तो इंडिया और चाइना एक जबरदस्त इकोनॉमिक फोर्स बन सकता है। चाइना अपने लार्ज स्केल लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर है। वहां के एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरियल लोकल गवर्नमेंट्स और नॉन यूनियनाइज्ड लेबर का कॉम्बो प्रोडक्शन को अनमैच्ड स्केल पर स्पीड देता है। दूसरी तरफ इंडिया के पास सॉफ्टवेयर का एज है। अपना टेक सपोर्ट, प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग का कुछ हिस्सा बैंगलोर में आउटसोर्स करते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कहने की बात है। साल 2020 का इंसिडेंट न्यू दिल्ली के लिए फाइनल स्ट्रॉ बन गया, एक टर्निंग पॉइंट जहां से वापस जाना बहुत मुश्किल था। इंडिया को लगने लगा कि बीजिंग अपनी पावर को एजर्ट करने में कॉमिटेड है। पूरी तरह उम्मीद खोने के बाद इंडिया ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया और सबसे आसान टारगेट थे चाइनीज कंपनीज। इंडिया हर साल $120 बिलियन के चाइनीज गुड्स इम्पोर्ट करता था, जो अमेरिका के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। लेकिन चाइना इंडिया से सिर्फ 15% ही गुड्स इम्पोर्ट करता है, जो एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक जैसे कई 100 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया और चाइनीज कंपनीज पर टिकटॉक पर बैन और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। हुआवी कंपनी को भी अपने नेटवर्क से बैन कर दिया गया। अब इसमें ट्रैवलर्स को भी टारगेट बनाया गया। इंडिया ने चाइनीज सिटीजंस के लिए वीजा लेना मुश्किल बना दिया। पहला तो उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा नहीं है, उन्हें चाइना में अप्लाई करना पड़ता है और वो भी वो बिना सही रिक्वायरमेंट्स जाने करते हैं। इन सब की वजह से साल 2023 में सिर्फ 2000 वीजास दिए गए थे, जबकि साल 2019 में ये नंबर 2 लाख था। आज 2024 में दोनों देशों के बीच 4 साल की हॉस्टिलिटी के बाद शायद दोनों को डिप्लोमेसी को फिर से शुरू करने की जरूरत है। लेकिन साल 2020 के बाद से चाइना ने अपने बॉर्डर को मजबूत बना दिया है और नए ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, जिससे 1,20,000 सोल्जर्स को अक्साई चीन में रखा जा सकता है। मतलब चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एडवांटेज ले लिया है। बीजिंग अब आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन न्यू दिल्ली इससे एक कंसेशन समझता है। चाइना चाहता है कि पहले फ्लाइट्स रिज्यूम हो, फिर बॉर्डर डिस्कशन की बात होगी, जबकि इंडिया चाहता है कि पहले बॉर्डर डिस्कशन की बात हो और फिर
फ्लाइट्स शुरू होंगे। अब आखिरी कुछ सालों में इन दोनों देशों के इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरीज में भी बहुत बदलाव आया है। चाइना का ग्रोथ अब धीमा हो रहा है और कंज्यूमर्स खर्च करने में भी कमजोर हो गए हैं। अब ट्रैवलिंग के मामले में भी 2019 से फ्लाइट्स टू यूएस और कनाडा 63% कम हो गई है। वहीं फ्रांस के लिए ये नंबर 57% और ताइवान के लिए 70% कम हो गई है। इस सभी के बीच इंडिया ट्रैवलिंग सेक्टर पे बूम कर रहा है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने इस पीरियड में 16th से 10th पोजीशन पर अपनी पकड़ बना ली है। और जबकि बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में 2nd से अब 23rd पर आ गया है। साल 2014 से इंडिया ने अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को दोगुना कर दी है, जो अब 74 से बढ़कर 148 हो गई है। रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन अगर हम इकोनॉमीज की तुलना करें तो इंडिया अभी भी चाइना से काफी पीछे है। एक उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के पास इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट है कि वो सभी इंडियन एयरलाइंस के टोटल से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, चाइना की ग्रोथ अब धीमी होती जा रही है जबकि इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 1980s और 1990s में चाइना की पोटेंशियल और रैपिड ग्रोथ ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया था। और दोस्तों अब इंडिया की बारी है चमकने की। साल 2022 तक इंडिया के पॉपुलेशन ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, जो अब घट रही है। इंडिया अपने एविएशन सेक्टर को बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। पिछले साल एक इंडियन एयरलाइन ने 500 एयरबस A320s का ऑर्डर दिया था। ये कमर्शियल एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और ये देखने वाली बात है कि सिर्फ 3% इंडियन पॉपुलेशन ने ही कभी भी फ्लाइट का इस्तेमाल किया है। मतलब यहाँ अभी भी बहुत बड़ा ग्रोथ का पोटेंशियल है। इस सिचुएशन ने बीजिंग को एक नई अर्जेंसी महसूस करवाई है। चाइना चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, नॉर्मल ट्रैवल शुरू करे और इंडिया के साथ अपना रिलेशनशिप सुधारे। लेकिन दिल्ली को कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हर चीज इतनी स्लो चल रही है। अगर कल को टाइज रीस्टोर भी हो जाते हैं तो भी चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच फिर से टकराव होने की संभावना है। जून 2020 के कन्फ्रंटेशन के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर वार्निंग शॉट्स मारने का इल्जाम लगाया, जो उनके पहले के एग्रीमेंट्स का वायोलेशन था। अब जो रूल्स पहले पीस बनाए रखते थे वो अब कमजोर हो गए हैं और ये दोनों तरफ को कॉन्फ्लिक्ट का मैदान बना रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स कब तक शुरू होंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ओके गाइस, तो अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, जैसे हम अपनी नेबर कंट्री इंडिया को कभी उनको जो है वो नेबर कंट्री बोला ही नहीं, कभी नहीं उनको बोला कि वो हम उनके अंदर से ही निकल के तो आए हैं, ठीक है। तो हम लोग हमेशा उनको कभी भी एड्रेस करना हो तो हम यही बोलते हैं, हमारी दुश्मन कंट्री जो इंडिया है, हमारा दुश्मन इंडिया है। लाइक हमारी बुक्स के अंदर भी हमने बचपन से भी यही पढ़ा है, दुश्मन कंट्री इंडिया। और जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर फ्लाइट वगैरह बंद है, इसी तरह जो है वो चाइना के साथ भी जो है वो इंडिया के इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया जो है वो चाइना के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करना भी नहीं चाहता, आई थिंक सो, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने पावरफुल है, वो क्यों अपने तल्लुकात बेहतर करना चाहेंगे। वो तो उनका मुकाबला करने के लिए आए दिन मिसाइल और कुछ ना कुछ जो है वो हथियार तैयार कर रहे होते हैं। और सेकंड जो है वो सबसे पावरफुल कंट्री चाइना है और इंडिया थर्ड बन चुके हैं। अब इंडिया चाहेगा कि वो सेकंड पे जो है वो खुद आए और इसको पीछे करे, और वो मेरे ख्याल से तो वो कर भी लेंगे, बिकॉज वो दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। पाकिस्तान और चाइना जो है वो दोस्त है, बिकॉज उन दोनों का जो है वो दुश्मन सेम है, ठीक है। इंडिया जो कि हम लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दुश्मनियां छोड़ के प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। अभी मुझे समझ आई कि पबजी और टिकटॉक और बाकी चाइनीज जो है ऐप वगैरह, वो क्यों गेमिंग ऐप हो या कोई वीडियो ऐप हो, कोई भी ऐप हो, तो वो चाइना के अगर है तो वो इंडिया के अंदर बैन क्यों होते हैं, लोग VPN वगैरह लगा के यूज करते हैं। तो अभी मुझे ये सारी चीजें समझ आई हैं कि मसले कहाँ से चल रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, फ्लाइट ओपन होंगी इंडिया और चाइना के दरमियान? मेरे ख्याल से तो नहीं होंगी, बिकॉज इंडिया जो है वो जब ठान लेता है ना कुछ, ठीक है, तो वो करके ही रहता है। और उनको मेरे ख्याल से चाइना की इतनी जरूरत है भी नहीं है, वो अपने घर में ही सारी चीजें बना रहा है, उनके मेड ऑफ इंडिया चीजें जो है वो आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से चाइना की तो इतनी जरूरत नहीं। चाइना की चीजें वैसे भी 4 दिन चलती हैं, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, तो वो हिसाब हो गया। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा कि ताल्लुकात इंडिया को चाइना के साथ बेहतर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो चलिए, कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।